हमारे साथ जयंत चौधरी जी है। जयंत जी, कल चौधरी साहब को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई, किस तरह से आप इस पूरे फैसले को देखते हैं? बहुत खुशी है, स्वतः ही लोग जश्न मना रहे हैं। जहाँ चौधरी साहब की मूर्ति है उसका माल्यार्पण हुआ, लोग अपने आप आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मेरा फोन बंद नहीं हो रहा, लगातार बज रहा है। सारे नेताओं ने, किसी दल का नेता हो, सब ने स्वागत किया व्यक्तिगत तौर से। अब कुछ पार्टियों की बंदिश होगी कि पब्लिक में नहीं कह सकते, सब ने मुझे कहा। और आज जो पार्लियामेंट में हुआ वो आपने देखा है। लेकिन जिस तरह से आज आप जब सदन के अंदर बोल रहे थे राज्यसभा के दौरान, तो कई सारे कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा भी किया, उपराष्ट्रपति जी ने भी उसको लेकर संज्ञान लिया। मुझे कह रहे थे तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, मैं गया। तो इसका मतलब जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान मिला, उस पर आप बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इतने बड़े नेता देश के, उस पर इस तरह से व्यवहार करना किस तरह से आप देखते हैं? बहुत अटपटी बात है। और एक जो सदन की गरिमा है, भारत रत्न की जो गरिमा है, जो सम्मान है चौधरी साहब का, वह उसके प्रति बहुत एक खराब मानसिकता को जाहिर किया गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी कि आप, क्योंकि चुनाव आने वाला है, जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करवाना, इसलिए सरकार ने घोषणा कर दी। मैं अपने पार्टी के हित को देखते हुए, जो लोग यहाँ आज घर पे आए हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कान है, चौधरी साहब का नाम लेते ही जिनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, मुझे उन लोगों का ख्याल रखना है और उनके भावनाओं के अनुरूप मैं फैसले लूंगा। लेकिन रामगोपाल यादव कह रहे हैं किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब किसी की जरूरत नहीं है तो फिर कहाँ इंडिया का कुछ नतीजा आएगा? तो जब एनडीए में, अब तारीख कब होगी, क्या फॉर्मूला होगा, कुछ बातचीत? एनडीए के संबंध में जब घोषणाएं होंगी औपचारिक, तब बातें सामने आएंगी, तब हम लोग अपनी रणनीति बना पाएंगे, कौन क्या लड़ रहा है, सीट समझौता सारी बात हो जाएगी, समय पे होंगी। आज तो सिर्फ हम चाह रहे हैं कि जो हमारी खुशी है वो खुशी को हम लोगों के बीच बांटें कि चौधरी साहब का सम्मान रखा गया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।